जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे दर्श अमावस्या की व्रत कथा। दर्श अमावस्या पर चंद्रमा पूरी रात गायब रहता है। इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना चंद्रदेव अवश्य ही सुनते हैं। दर्श अमावस्या के दिन पितृगण धरती पर आकर परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण, स्नान, दान इत्यादि करते हैं। आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पुराने समय की बात है, एक बार समस्त 12 सिंह आत्माएं सोमरस पर रहती थी। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण किया और कुछ दिनों के बाद ही उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी कन्या का जन्म दिया। जन्म के पश्चात सभी ने उसका नाम अछोदा रखा। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देखभाल और संस्कारों में पली बढ़ी थी। ऐसे में ही उसे शुरुआती दिनों से ही अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे और अछोदा ने वैसा ही किया। उसने राजा अमावसु के यहाँ पर एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। राजा अमावसु ने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा काफ़ी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अछोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया और उसने अपने इस कार्य को करने के लिए अंधेरी रात्रि को चुना। जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता, उस दिन अछोदा पितृ आत्माओं का पूरे विधि विधान से और मन लगाकर पूजन करने लगी। पितरों की भक्ति के कारण अछोदा को वो तमाम सुख मिले जो कि उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। उसके बाद से ही बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम से जाना जाता है। इसीलिए दर्श अमावस्या के दिन पितृलोक धरती पर आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। मनुष्य को पितरों का श्राद्ध करते वक्त चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यही वजह है कि दर्श अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अब आप सुनेंगे वैशाख अमावस्या की कथा। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में धर्मवर नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ऋषि और मुनियों का वह बहुत आदर करता था। एक बार उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुना। जब ब्राह्मण ने सुना तो उसे पता चला कि भगवान विष्णु के नाम को जपने से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर ने इस बात को आत्मसात कर लिया और इस तरह से उसका मन सांसारिक जीवन से भी दूर हो गया। वह केवल श्रीहरि के चरणों में ही लीन रहता और भक्ति करता। इसी तरह से वह जगह जगह पर जाता, साधु संतों से मिलता और घूमता रहता। वह दिन भर श्रीहरि के नाम का जाप करता। एक दिन भ्रमण करते करते धर्मवर ब्राह्मण पितृलोक में पहुंच गया। वहां पर उस ब्राह्मण ने अपने पितरों को बहुत अधिक कष्ट में देखा। उन्हें कष्ट में देखकर उसका कारण पूछा तो पितरों ने उस ब्राह्मण को बताया कि हमारी हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे संन्यास लेने के कारण ही अब कोई भी हमारे पिंडदान करने वाला शेष नहीं है। धर्मवर्ण को इस बात के लिए बहुत अधिक दुख हुआ। तब उसके पितरों ने कहा कि तुम ऐसा करो, वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करना। यदि तुम ऐसा करोगे तभी हमें सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। पंडित धर्मवर ने अपने पितरों को वचन दिया और वहां से वह वापस आ गया। इसके बाद धर्मवर ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ा और एक बार सांसारिक जीवन को फिर से अपना लिया। और जब फिर वैशाख अमावस्या आई तो उसने पूरे विधि विधान से अपने पितरों का पिंडदान किया व उनको मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से धर्मवर ने वैशाख अमावस्या के दिन अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब आप सुनिए अमावस्या की कथा। आइए शुरू करते हैं।
एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साथ ही साहूकार की एक बेटी भी थी जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था। उनके घर पर एक योगी भिक्षा मांगने के लिए आते थे। वह योगी प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए आते और जब साहूकार की बहुएं उससे भिक्षा देती तो वह योगी भिक्षा ले लेते, और जब साहूकार की बेटी उस साधु से भिक्षा देती तो साधु उससे भिक्षा नहीं लेते। साहूकार की बेटी को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह दिन प्रतिदिन यही सोचते हुए सूखती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम ऐसे सूखती क्यों जा रही हो? तब उस लड़की ने पूरी बात साहूकारनी को बताई। साहूकारनी ने कहा, ठीक है, जब अगली बार साधु महाराज आएंगे तो मैं छुप कर देखूंगी, तुम खुद उसे भिक्षा देने के लिए जाना। लड़की ने कहा, ठीक है। और अगले दिन जब साधु महात्मा उनके घर पर भिक्षा के लिए आए तो वह लड़की भिक्षा लेकर गई। साहूकारनी छुप कर साधु महाराज को देखती रही। साधु महाराज ने हमेशा की ही तरह उस लड़की के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया। साहूकारनी यह देखकर जहाँ से छुपी हुई थी वहाँ से बाहर आई और साधु महात्मा के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी बेटी को घर में अंदर भेज दिया और जब उसकी बेटी अंदर चली गई तब उसने साधु महाराज से पूछा कि महाराज, ऐसी क्या बात है, आप मेरी बेटी के हाथों से भिक्षा क्यों नहीं स्वीकार करते हो? तब साधु ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में वैधव्य है। तब साधु महाराज ने बताया कि इस कन्या के हाथों में विवाह योग्य रेखा नहीं है। इसका विवाह तो होगा लेकिन इसका पति सांप के डसने से मारा जाएगा। तब साहूकारनी ने कहा, हे महाराज, अब आप ही इसका कोई हल बताइए। तब साधु ने कहा कि यहाँ से 7 समुंदर दूर सोना धोबिन रहती है। सोना धोबिन बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। यदि वह अपनी मांग का सिंदूर उसको दान करे तो अवश्य ही यह सुहागिन रह सकती है, लेकिन सोना धोबिन का यहाँ आना बहुत ही मुश्किल है। साधु महाराज ने ऐसा बताकर साहूकारनी से विदा ली और साहूकारनी ने अपने घर पर कुछ दिनों के लिए बाहर काम से जाने की कही और वह सोना धोबिन के घर की तरफ निकल ली। वह रास्ते में चलती गई और पास ही उसे एक नदी दिखाई दी। वह थोड़ी दूर उस नदी के किनारे पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गई। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था। उस घोंसले में गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे और उस समय वह गरुड़ पंखनी बाहर खाना लाने के लिए गई हुई थी। इतनी ही देर में वहाँ पर एक सांप आया और उस साहूकारनी ने उस सांप को घोंसले की तरफ जाते हुए देख लिया। साहूकारनी ने सांप को मार दिया और उसकी ढाल बनाकर वहीं पर रख दिया। जब गरुड़ पंखनी खाना लेकर वापस अपने घोंसले पर आई, उसने देखा कि यहाँ पर खून के धब्बे पड़े हैं। उसने सोचा कि जरूर इस महिला ने मेरे बच्चों को मार दिया है। ऐसा सोचकर वह गरुड़ पंखनी उस महिला को चोंच मारने लग गई। तब साहूकारनी ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तो इस सांप को मारा है। ऐसा कहकर साहूकारनी ने वह ढाल हटाकर सांप दिखाया। तब गरुड़ पंखनी उससे बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि तुम यहाँ किस कार्य से हो? तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूँगी। तब साहूकारनी ने कहा कि मुझे यहाँ से 7 समुंदर दूर सोना धोबिन के पास पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे सोना धोबिन के घर पर छोड़ आई। जब साहूकारनी सोना धोबिन के गांव में पहुंची तो उसने सोचा कि अब सोना धोबिन को कैसे पता किया जाए। तब उसे पता चला कि सोना धोबिन की 7 बहुएं हैं और वे आपस में काम नहीं करने के लिए लड़ती रहती है। तब साहूकारनी को उसको प्रसन्न करने का रास्ता मिल गया। साहूकारनी रोजाना सबके सो जाने के बाद रात में सोना धोबिन के घर जाती और उसके घर पर सारा कार्य करती। गाय की देखभाल करती, साफ सफाई करती, गाय को चारा डालकर वापस आ जाती। अब सोना धोबिन और उसकी बहुएं सुबह जब उठती तो उनका सारा काम पहले ही हो रखा होता। वे अब बहुत प्रसन्न रहने लगी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से कहा कि क्या हुआ, तुम लोग इतने दिनों से काम के लिए नहीं लड़ रही हो, अब तो काम खुद से ही कर रही हो। उनकी बहुओं ने कहा कि माँ जी, काम हमें ही करना है, इसीलिए लड़कर क्या फ़ायदा।
तब सोना धोबिन ने सोचा कि क्यों न आज रात को मैं जागकर देखती हूँ कि काम इनमें से कौन करती है। उस रात सोना धोबिन सोई नहीं, वह पूरी रात इंतजार करती रही। जैसे ही घर के सभी सदस्य सो गए, तभी वहाँ पर बाहर से एक महिला आई और वह घर का सभी कार्य करने लगी। वह घर का पूरा कार्य करके और पशुओं को चारा डालकर जब जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और सोना धोबिन ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर में ऐसे कार्य क्यों करती हो। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि तुम मुझे वचन दो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। फिर साहूकारनी ने सोना धोबिन से वचन ले लिया और साहूकारनी ने कहा कि तुम मेरी बेटी को सिंदूर दान करो। सोना धोबिन उसकी बात मान गई और उसके साथ सात समुंदर पार जाने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मैं आऊँ तब तक तुम्हारे ससुर को कुछ हो जाए तो उसे यहीं पर रखना। बहुओं ने कहा ठीक है और ऐसा कहकर सोना धोबिन उसके साथ चल दी। साहूकारनी और सोना धोबिन जब उनके घर पर पहुंची, तब तक उसकी बेटी का विवाह भी तय हो चुका था। जब बेटी के विवाह का दिन आया तब फेरों के समय सोना धोबिन ने एक कटोरी में उस लड़के के पाँव के पास दूध रखा। जैसे ही वहां पर सांप आया तो उसने दूध से भरी हुई कटोरी देखी और वह दूध पीने लग गया। लेकिन उस साहूकारनी का दामाद उस सांप को देखकर हृदयाघात से फिर भी मर गया। तब सोना धोबिन ने अपनी मांग में से सिंदूर निकालकर उस लड़की को सिंदूर दिया, अपनी आँख से काजल निकालकर उस लड़की को काजल दिया, अपने हाथों की मेहंदी से मेहंदी निकालकर उस लड़की के हाथ पे मेहंदी लगाई और सोना धोबिन ने हाथ में दूध लेते हुए कहा कि अब तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उन सब का फल इस लड़की को देती हूँ। ऐसा कहते ही उस लड़की का पति सकुशल जीवित हो गया। उस लड़की को अमर सुहाग देकर सोना धोबिन वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगी। जब वह अपने घर की ओर जाने लगी तो साहूकारनी ने उसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपको क्या दूँ जिससे आप प्रसन्न हो जाए। तब सोना धोबिन ने कहा कि तुम मुझे एक हांडी दे दो। उसने वहाँ से हांडी ली। सोना धोबिन ने ऐसा कहकर वहाँ से हांडी ली और चल दी। सोना धोबिन पतिव्रता स्त्री थी, इसीलिए उसे आभास हो गया कि उसके पति का अवश्य ही कुछ अनिष्ट हुआ है और वह चलती गई तो उस दिन अमावस्या थी। उसने जल भी ग्रहण नहीं किया था और रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसने हांडी को वहाँ पर रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसने परिक्रमा ईंट से ही की और प्रत्येक परिक्रमा में ईंट गिराती गई और फिर उसने हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर अपने घर की तरफ चली। घर जाकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ है। फिर सोमा धोबिन ने चिटली उंगली से उसको छींटे दिए। फिर सोमा धोबिन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं अपनी अभी की और आगे की सभी अमावस्या के व्रत का फल अपने पति को देती हूँ और उसने चिटली उंगली से उसको छींटा दिया। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो उठा। फिर इतनी ही देर में सोमा धोबिन के घर पर वहाँ का पंडित आया और उसने दक्षिणा के लिए कहा। तब सोमा धोबिन ने कहा कि मुझे तो अमावस्या माता रास्ते में ही मिल गई है, वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे मैंने पूजा की है, आपकी दक्षिणा वहीं होगी। जब उस पंडित ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर उसे हांडी मिली। वह हांडी 13 टुकड़ों में बटी हुई थी और वह सोने की बन गई थी। वह पंडित उन टुकड़ों को लेकर सोमा धोबिन के घर पर आया और सोमा धोबिन से बोला कि तुमने कुछ नहीं दिया ऐसा कहती हो, परंतु तुमने तो इतना कुछ दे दिया है। ऐसा कहकर उसने सोमा धोबिन को पूरी बात बताई। सोमा धोबिन ने उनको लेने से मना कर दिया, बोली कि यह तो आपके ही पुण्य का फल है। पंडित बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूरे गाँव में घोषणा करवा दी कि अमावस्या का व्रत सभी महिला पुरुष करेंगे। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो भी व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को भवरी देता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि पीपल देवता में सभी देवों का वास होता है। इसलिए अमावस्या के दिन पीपल देव की पूजा और दीपदान अवश्य ही किया जाता है। साथ ही इस दिन गौरी गणेश का पूजन जो करते हैं उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना।
बोले अमावस्या माता की जय, बोले शिव जी भगवान की जय, बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय।